अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन अहमद सिद्दीक और आज मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा सुपरटेक फाउंडेशन की तरफ से एनजीओस की नेटवर्किंग मीटिंग के अंदर, जो कि है यूथ के लिए। अगर आप यूथ के कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई कम्युनिटी चला रहे हैं, कोई सोसाइटी चला रहे हैं, या यूथ का कोई ग्रुप है यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट्स की सोसाइटीज़ हैं, या आप इंडिविजुअल यूथ हैं और चाह रहे हैं कि मुल्क के लिए कुछ करना, के मुल्क में सुधार है, मुल्क में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आए, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा। आप आइए इस संडे को हमारी मीटिंग के अंदर और बात करते हैं कि हम किस तरह से कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं। अब इस मीटिंग में होगा क्या? इस मीटिंग में हम 2 घंटे के लिए मुलाकात करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो मेन थीम हमारे कि यूथ ग्रुप्स या यूथ एनजीओस या यूथ जितने पाकिस्तान के किस तरह से कोलैबोरेटेड होके किस तरह से सिनर्जी में आके काम कर सकते हैं। हमारे पास हमारा मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम कोई यूथ का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना दें कि ऑल पाकिस्तान यूथ और काउंसिल और फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। अगर आपका यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है आप चलाएं, इट्स वेल एंड गुड, आपका अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल और पावर्स है, आप उसको एक्सिक्यूट करें। हमारा बेसिक मकसद ये कि किस तरह से कोलैबोरेशन में हम एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज को पूल इन करके जो हमारा कॉमन पर्पज़ है, जो कॉमन गोल है कि पाकिस्तान के अंदर चेंज लाना, उसको हम किस तरह से इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम बैठ रहे हैं, 2 घंटे के लिए बैठेंगे और इसमें हर एनजीओ को या यूथ की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ग्रुप होगा, उसको 5 से 10 मिनट दिए जाएंगे कि वो अपने बारे में बताएं, डिस्कस करें। और इसमें फिर 3 ऑर्गेनाइजेशंस की जो है फीचर्ड स्पीच होगी, जिसके बाद हम फॉलोअप करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू और एक सेशन रखेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स का, कि कॉमन प्रॉब्लम्स यूथ क्या समझती है, कि पाकिस्तान को दरपेश है और उनके सोल्यूशन क्या निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें शिरकत करेंगे।